सवाल कि क्या अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा? आरोपियों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और साथ ही संकेत दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बाबत गाइडलाइन भी जारी करेगा। उदयपुर में स्कूली बच्चों के बीच चाकूबाजी की घटना का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का बेटा बिगड़ैल हो तो उसके पिता का घर गिराना ठीक नहीं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना कानून के नहीं गिराया जा सकता घर। आरोपी होने के आधार पर बुलडोजर एक्शन गलत। देश भर में आरोपियों के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया किस तरह का एक्शन ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोई आरोपी है सिर्फ इस बिहाफ पर प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे हो सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई भी दोषी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। देश भर की घटना के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की भी घटना का जिक्र किया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिगड़ैल बेटे की वजह से पिता का घर गिराना सही नहीं है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुशी जाहिर की और बीजेपी पर तंज कसा। देश में एक नया मॉडल लेकर आए कि घर तो बनाकर दिए नहीं बीजेपी की सरकार ने, लोगों के बुलडोजर चलाने लगी। अब उदयपुर में घटना हुई, एक बच्चे की डेथ हो गई, दो बच्चों में झगड़ा हुआ, ठीक है आप घर तोड़िए। वो रो रो के कह रहा भाई साहब ये किराएदार है, ऐसे कई किराएदार इस मकान में, मकान मालिक मैं हूँ, उसकी सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी के साथ दिक्कत एक होगी, जो पाप करेंगे ना उसका परिणाम भुगतना। अब आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये फैसला धरती पर वार भगवान भी छोड़ेंगे नहीं इनको। कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, कई सड़क पर रहने को मजबूर है, बड़ी मुश्किल से किसी का घर बनता है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन होने पर घरों को गिराया जा रहा है, लेकिन कोर्ट जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बात कही है वो अलग केस के लिए है, और जहां तक उल्लेख करने की बात है, जो नजीरें दी जाती है, निश्चित तौर पर राज्य सरकार भी उसका ध्यान रखती होगी, क्योंकि यहाँ भी लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ भी दे आर अबंडन बाय द लॉ, और ये तो पक्की बात है कि देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ अगर है तो निश्चित तौर पर इसकी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये इफेक्टिव वर्किंग है ऐसा जन भावना है। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका में आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या बुलडोजर एक्शन की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।